भैया दूज की कथा। दिवाली के तीसरे दिन अर्थात कार्तिक शुक्ल द्वितीया को भाई दूज के नाम से जाना जाता है। इस दिन भाई अपने बहन के हाथों रोली अक्षत लगवाकर मिठाई खाता और उसे दक्षिणा के रूप में कुछ द्रव्य भी देता है। इस दिन भाई के लिए बहन के घर का भोजन करने का विधान है, परंतु कहीं कहीं जिनके भाई बहन के घर नहीं पहुंच पाते, उनकी बहनें भाई के घर पर जाकर उन्हें टीका लगाकर मिठाई खिलाती हैं। पौराणिक कथाओं के आधार पर ऐसा कहा जाता है कि एक बार यमुना नदी ने अपने भाई यमराज को मांगलिक द्रव्य से टीका लगाकर उन्हें भोजन कराया था। जिस दिन यमुना ने भाई से आग्रह कर भोजन आदि से संतुष्ट किया था, उस दिन कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि थी। तभी से इस पर्व को माना जाने लगा। बहन की सेवा से संतुष्ट होकर यमुना से वरदान मांगने के लिए कहा। बहन यमुना ने उत्तर दिया, आज की पुनीत तिथि के दिन जो भाई बहन एक साथ मेरे जल में स्नान करे, उन्हें अंत काल में यम यातना न भोगना पड़े और वह जीवन काल में सभी प्रकार से सुख समृद्धि को प्राप्त हो। अपनी बहन को अभिशत वरदान देकर यमराज अपने लोक को चले गए। अंत हम सभी लोगों का नैतिक कर्तव्य है कि इस पावन पर्व को विधितम मनाएं।